बसंतर तक का एडवांस। इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। यस सर। साहब चाय। सिर्फ यही है क्या? फिलहाल इससे काम चलाइए ना सर। जा लिया। दिस इज गोइंग टू बी द रूट। ओके। यस सर। देयर विल लॉट ऑफ माइंड फील्ड्स अक्रॉस। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद। कैप्टन आदित्य कुमार, ओपी ऑफिसर, 6th मद्रास रेजिमेंट, रिपोर्टिंग सर। हाय कैप्टन, ठीक हो ना? अच्छा हूँ सर, और हमारा देश भी अच्छा रहे इसलिए सर पे कफन बांध के हम आए हैं सर। कैप्टन आदित्य कुमार, युद्ध में फौजियों के सामने दो नतीजे होते हैं, या तो जीत या हार। लेकिन सही सलामत जंग जीत कर जिंदा लौटने वाले फौजियों की ही जरूरत है हमें। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अलाइव टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। हाथ से नहीं सर, मन से सैल्यूट करता हूँ आपको। I have heard a lot about you and now feeling the positive energy. मैं और मेरी ट्रूप हमेशा आपके साथ रहेंगे। Advanced Observation Troop with Artillery Support. Be in touch. अब जाकर आराम करो। Go. चल सर। पुणे हाउस रिपोर्टिंग सर। करण राज रिपोर्टिंग सर। रेडियो ऑपरेटर अभिनव रिपोर्टिंग सर। ड्राइवर प्रयाग सर। ओके, आई एम मेजर सहदेव, योर कंपनी कमांडर। तुम्हारे तजुर्बा न होने और तुम्हारी कम उम्र की वजह से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जंग में इन्फेंट्री सपोर्ट के लिए वी नीड अ डेडिकेटेड आर्मर्ड सपोर्ट फ्रॉम यू। यस सर, इनफैक्ट आवर सीओ हैज बीन सेइंग अबाउट इट। आपको सपोर्ट देना हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे किसी भी सीओ ने कहा हो या नहीं, आई एम योर कमांडर ऑन ग्राउंड हियर, सो बी सेफ ऑलवेज। वैसे क्या बोलते हैं, जोश में होश मत खोना। ओके, गुड, यू आर स्मार्ट। राइट सर, नाउ गो एंड चेक योर वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, रिलैक्स एंड वेट फॉर माय ऑर्डर्स। सर, रोजर। हाँ, मेजर साहब तो लेजेंडरी हैं। हे, एनी प्रॉब्लम्स? लेकिन वाले भी हैं। हाँ, नथिंग सर। देन मूव योर एस। ओके सर। बच्चा है ये तो, आपके साथ खेल रहा था। कन्हैया, याद रख, इन अफसरों का तू मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं, मेरा मतलब। हाँ, डालना चाय। डालना। कोई खटाया तो है? आया था। जैसे हम बसंतर ब्रिज हेड की तरफ एडवांस करेंगे, वहाँ हमें हिंदुस्तान की 33 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी मिलेगी। उस कंपनी का कमांडर है मेजर सहदेवन। खबर मिली है वो दिलेर ऑफिसर, इसलिए वो वहाँ पहुँचे उससे पहले बसंतर डिफेंसेस को ऑक्यूपाई करने। समझ में आया? सर, वी आर ऑल सेट फॉर टेकरी अटैक। बाय मॉर्निंग आई विल गिव यू सम गुड न्यूज सर। सर, अब गाली शुरू मत कीजिएगा। ले जा अपनी सड़ी हुई चाय। ओके सर। सुनो, सर ने मुझे क्यों बुलाया? लेटर चेक करने वाले जेसीओ छुट्टी पे हैं, इसलिए मेजर साहब ही आजकल चिट्ठियां चेक कर रहे हैं। ओह, माँ की आंख। सर, आपने मुझे वॉर फ्रंट में प्रेम और प्रेम पत्र के लिए कोई जगह नहीं। होप यू हैव गॉट व्हाट आई मीन। वो क्या है सर, कि मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ। आई नो दैट। पर लगातार इसी तरह आते रहे तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इसे क्रॉस चेक करने के लिए मुझे भी ये पढ़ना पड़ता है। सॉरी सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? व्हाट? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है सर? ओके, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? अरे, इसमें तो पूरी महाभारत भरी पड़ी है, गोंद चिपकाने तक की जगह नहीं छोड़ी है। शट अप सर। मन में प्यार मोहब्बत की बातें रख के युद्ध भूमि में नहीं जा सकते, ऐसा आदमी एक अच्छा योद्धा कभी नहीं बनेगा। लीव एवरीथिंग एट होम, योर लव, इमोशंस, साथ साथ सारी यादें भी,
एंड यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एनिमी, ओके? सर, अपने देश पर मर मिटने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ. ये अल्फाज सभी कहते हैं, मरना नहीं, देश की खातिर लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है. आई विल नॉट लेट यू डाउन सर. ओके, ये लो तुम्हारे लिए दो खत. थैंक यू सर. प्लीज सर. थैंक यू सर. एंजॉय.